पांच ऐसी बार जब WWE रियल लाइफ इंसिडेंट की वजह से अपने चैंपियन को चेंज करने पर मजबूर हो गई, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और जैसा कि हम जानते हैं, WWE यूजुअली अपने टॉप के मैचेस को काफ़ी लंबे समय से प्लान करती है, लेकिन कभी कभार कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स जैसे कि सुपरस्टार्स की इंजरीज या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि उन लॉन्ग टर्म प्लान्स को एकदम से ख़राब कर दें और लास्ट मोमेंट पर जो है WWE को अपने प्लान्स में चेंजेस करने पड़े। और ये हमें सिर्फ नॉर्मल स्टोरी लाइन्स में ही नहीं बल्कि चैंपियनशिप मैचेस में भी देखने को मिलता है गाइस। और जो नंबर पाँच पर इंसिडेंट आता है वो ये है कि जॉन सीना की इंजरी के बाद रैंडी ऑर्टन नो मर्सी 2007 में बन गए थे WWE चैंपियन। तो हुआ क्या था गाइस, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला था नो मर्सी में, लेकिन उससे 6 दिन पहले जॉन सीना की एक मसल इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से उस मैच को कैंसिल कर दिया गया था। और जबकि ये कोई जानता ही नहीं था कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है और किस तरीके से इसको बुक करा गया है, विंस मैकमैन ने सीधा जाकर रैंडी ऑर्टन को टाइटल पकड़ा दिया। और उसके बाद गाइस एक ही शो में चैंपियनशिप 3 बार डिफेंड करी गई। नो मर्सी के ओपनिंग मैच में ट्रिपल एच जीत जाते हैं रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप, और उसके बाद वो उमागा के अगेंस्ट भी अपना टाइटल डिफेंड करते हैं जो कि वो सक्सेसफुली करते हैं। और उसके बाद मेन इवेंट में एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है द गेम ट्रिपल एच वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच में, जहां पे रैंडी ऑर्टन अपना टाइटल फिर से जीत जाते हैं। तो ये जॉन सीना की रियल लाइफ इंजरी की वजह से हुआ, जहां पे रैंडी ऑर्टन एकदम से चैंपियन बन गए और उनकी लास्ट मोमेंट पे WWE को फ्यूड बुक करनी पड़ी ट्रिपल एच के साथ। अगले इंसिडेंट की बात करते हैं गाइस। तो जॉन मॉरिसन बन गए थे ECW चैंपियन आफ्टर क्रिस बेनोआज डेथ। तो ये 2007 की बात है कि ECW चैंपियनशिप वेकेट हो गई थी क्योंकि चैंपियन बॉबी लैशली जो थे उनको रॉ में ड्राफ्ट कर दिया गया था। और इसके बाद वेंजेंस पे पर व्यू में CM पंक वर्सेस क्रिस बेनोआ मैच बुक करा गया ECW चैंपियनशिप के लिए। और ये एक ऐसा मैच था जो कि फैंस काफी लंबे समय से देखना चाहते थे गाइज, लेकिन सैडली ये मैच कभी हुआ ही नहीं क्योंकि क्रिस बेनोआ ने अपनी वाइफ अपने बच्चों को मार के और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया सिर्फ 1 दिन पहले पे पर व्यू से। और यहाँ पे जो जॉनी नाइट्रो यानी कि जॉन मॉरिसन है उनको WWE ने रिप्लेस बुक करा क्रिस बेनोआ की जगह और उनका मैच हुआ CM पंक के साथ, जहां पे जॉनी नाइट्रो बन गए नए चैंपियन। और इसके बाद इन दोनों की फ्यूड बहुत ज्यादा देर तक चलती रही। और गाइस बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें ये बता रही थी बाद में कि बेनोआ जो थे इस मैच में CM पंक के अगेंस्ट जीतने वाले थे और ECW के एक वेटरन चैंपियन बनने वाले थे, लेकिन उस समय में WWE के पास बेस्ट सोल्यूशन यही था कि वो जॉनी नाइट्रो को चुने और उनको बना दे नया ECW चैंपियन। अब बात करते हैं हम अगले इंसिडेंट की गाइस। तो प्रोबेबली हम सब ये जानते हैं कि 2011 में जॉन सीना वर्सेस CM पंक का वो मनी इन द बैंक का मैच, जहां पे हमें सबको लग रहा था कि CM पंक WWE छोड़कर जाने वाले हैं। उन्होंने अपने फेमस पाइप बॉम्ब प्रोमो में भी बोला था कि वो उनका आखिरी मैच होने वाला है, लेकिन गाइस यहां पे बात कमाल की है कि एक्चुअली में रियल लाइफ में CM पंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहां पे खत्म होने वाला था और किसी को लग नहीं रहा था कि वो साइन करने वाले हैं। तो फैन सोच रहे थे कि या तो जॉन सीना इस मैच को जीतने वाले हैं या फिर अल्बर्टो डेल रियो अपना कैश इन करने वाले मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट अगर CM पंक इसको जीत भी जाएं। लेकिन WWE ने उस रात पूरी WWE यूनिवर्स को शॉक कर दिया क्योंकि CM पंक इस मैच को जीत जाते हैं। डेल रियो आते भी हैं कैश इन करने विंस मैकमैन के कहने पर, लेकिन वो भी CM पंक को नहीं हरा पाते और गाइस CM पंक रह जाते हैं WWE चैंपियन। और उसके बाद एक्चुअली में वो रीसाइन कर लेते हैं कंपनी के साथ। तो यहां पे ऐसा लगता है कि WWE को पहले से पता था कि पंक रीसाइन करने वाले हैं। और ये जो रियल लाइफ सिचुएशन थी गाइस, इसको WWE ने एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया और ये इस वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बन गई थी और सब इसको सच मानने लग गए थे। अगले इंसिडेंट की हम बात करें गाइस, तो हम चलते हैं सर्वाइवर सीरीज 1997 में जो कि हुई थी ब्रेट द हिटमैन हार्ट के होम टाउन मॉन्ट्रियल कनाडा में। और यहां पे गाइस बुक करा गया था एक WWE चैंपियनशिप मैच उनका अगेंस्ट शॉन माइकल्स। और प्रॉब्लम यहां पे ये थी कि ये आखिरी मैच होने वाला था ब्रेट हार्ट का WWE में क्योंकि WCW के साथ उन्होंने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और विंस मैकमैन ने कहा था कि वो ब्रेट हार्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते एक नई डील देना। तो वो थे कि इस मैच में यहां पे शॉन माइकल्स जीतें, लेकिन ब्रेट हार्ट ने मना कर दिया कि शॉन माइकल्स यहां पे जीतें क्योंकि वो कह रहे थे मेरे होम टाउन में शो है, मैं नहीं हार सकता। और ये राइवलरी गाइस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा पर्सनल थी और शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट एक दूसरे को लाइक बिल्कुल करते नहीं थे और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो कहीं पर भी किसी के भी अगेंस्ट हार सकते हैं लेकिन अपने होम टाउन में वो आखिरी मैच नहीं हारेंगे। तो WWE ने डिसाइड करा कि इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म कर देते हैं, लेकिन गाइस विंस मैकमैन ने यहां पे कुछ ऐसा प्लान करा हुआ था जो कि शायद ब्रेट हार्ट
हार्ट को भी पता नहीं था। तो यहाँ पे जब मैच चल रहा था गाइस, शॉन माइकल सबमिशन में डालते हैं ब्रेट हार्ट को, और जबकि वो टैप करते भी नहीं है, विंस मैकमैन रेफरी को बोलते हैं बेल बजवाने के लिए, और यहाँ पे मैच को खत्म कर दिया जाता है और शॉन माइकल्स को बना दिया जाता है नया चैंपियन। और ब्रेट हार्ट के साथ कुछ ऐसा होता है जो ऑलरेडी बुक नहीं था, उनको काइंड ऑफ धोखा दिया गया। और इस पूरे इंसिडेंट को हम जानते हैं गाइस मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के नाम से, और यहाँ पे शॉन माइकल्स जो है वो टाइटल जीत जाते हैं। ब्रेट हार्ट को विंस मैकमैन कर देते हैं यहाँ पे स्क्रू, लेकिन हम कह सकते हैं कि उस समय में उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में सोचा और ब्रेट हार्ट के बारे में नहीं सोचा, और जो उनके लिए बेस्ट था उन्होंने वही करा। और फिर फाइनली आते हैं गाइस हम अपने लास्ट इंसिडेंट पे, जो कि था जब कर्ट एंगल बने थे चैंपियन 9/11 इंसिडेंट की वजह से। जैसा कि हम जानते हैं द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंसिडेंट, जो कि यूएस की हिस्ट्री में सबसे बड़ी दुर्घटना रही है, और इसने गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी इफेक्ट करा था, क्योंकि उनको कुछ अपने प्लान्स चेंज करने पड़ गए थे इस इंसिडेंट की वजह से। अब सबसे पहली बात तो यह कि स्मैकडाउन की जो टेपिंग्स थी गाइस 9/11 वाले दिन, उसको कैंसिल कर दिया गया था, और उन्होंने थर्सडे को उस हफ्ते में एक लाइव शो करा था जो कि एक बहुत इमोशनल शो था। सारे रेसलर्स ने यहाँ पे अपना बेस्ट करा एंटरटेन करने के लिए, और उस महीने गाइस WWE का पेपर भी होने वाला था अनफॉरगिवन, जहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस कर्ट एंगल होना था फॉर द WWE चैंपियनशिप। और ये एक ऐसा मैच था जो कि गाइस बहुत ज्यादा शॉकिंग तरीके से एंड हुआ, जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हार जाते हैं, टैप आउट कर देते हैं, और कर्ट एंगल एंकल लॉक लगा के बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। और जबकि ऑस्टिन का हाथ रोप के नीचे था जब उन्होंने टैप करा, एक रीमैच के लिए WWE ने यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट करी, लेकिन उस मोमेंट में गाइस बहुत रेयर चीज थी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कभी भी टैप आउट करें, और ये WWE ने इसलिए करा था गाइस क्योंकि कर्ट एंगल को एज एन अमेरिकन हीरो देखा जाता था, जिसने बैड गाय यानी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को हराया था। और उस समय WWE चाहती थी कि अमेरिकन फैंस और जो लोग हैं वहां के, उनको प्राइड फील करना चाहिए, और कर्ट एंगल को एज ए हीरो माना जाता था, एक प्राइड का सिंबल माना जाता था, और उस मोमेंट में कर्ट एंगल से बेटर कोई ऑप्शन नहीं था। तो स्टोन कोल्ड को हराना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फैंस को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना और उनको याद दिलाना कि अमेरिका कितनी बड़ी कंट्री है, सबसे बेस्ट है, और उनकी प्राइड कितनी ज्यादा है, ये चीज WWE ने यहाँ पे करी। और ये बहुत बड़े रियल लाइफ इंसिडेंट की वजह से कर्ट एंगल जो है वो यहाँ पे WWE चैंपियन बन गए। तो गाइस ये थे सारे ऐसे इंसिडेंट्स। अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं और मुझे आइडियाज दे सकते हैं आप नीचे कॉमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।